नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है नवीन और दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि रेलवे में आ चुकी है नई भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दो नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, वो भी रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की अलग अलग डिपार्टमेंट से ये भर्तियां निकल कर आ रही है। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और इनमें से कुछ वैकेंसी के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया है, मतलब सीधी भर्ती के माध्यम से भी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही है। तो अगर आप रेलवे में जो है बिना परीक्षा के ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इन वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। बट अप्लाई करने से पहले दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको इन भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इन वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो। और रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tips1buzz.xyz। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन में जाकर के आप नई वैकेंसी की जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों रेलवे के सेक्शन में भी आप जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं, रेलवे की जो भी तमाम नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपको दो भर्तियों की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन वैकेंसी की। दोस्तों रेलवे की वैकेंसी है जो निकाली जा रही है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन की तरफ से। इस साल 2023 की ये नई वैकेंसी है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। प्रोफाइल की बात करें तो वर्क इंजीनियर की प्रोफाइल में वैकेंसी है अलग अलग डिसिप्लिन में, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो 34 यानी कि 34 पोस्ट पर वैकेंसी है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है मेल और फीमेल सभी के लिए। ऑल इंडिया की जॉब लोकेशन है। सैलरी आपको 36,000 से 40,000 रुपए पर मंथ मिल रही है जो कि काफी अच्छी सैलरी है। सिलेक्शन का प्रोसेस केवल इंटरव्यू के थ्रू रहेगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 साल तक की है और एज का रिलेक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है, नॉट डिस्क्लोज्ड है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि अगर आप डिग्री होल्डर हैं इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेवेंट फील्ड में। दोस्तों इसके जो आपके इंटरव्यू होने वाले हैं वो 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेंगे। यहां से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ सेकंड के अंदर आ जाएगा नोटिफिकेशन और नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट कौन सी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एस्टिमेट क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और आपकी जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो कहां पर होंगे वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में जो इंटरव्यू होंगे उनकी अलग अलग डेट यहां पर है, अलग अलग पोस्ट यहां पर है, अलग अलग एड्रेस यहां पर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, जहां पर भी आपके होंगे वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भर करके डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको सबमिट करना होगा इंटरव्यू के समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी की ओर। दोस्तों इन वैकेंसी को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी की बात करते हैं जो कि रेलवे मेट्रो की नई भर्ती है। दोस्तों ये जो भर्ती निकाली जा रही है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL की तरफ से नई वैकेंसी है इस साल 2023 की। दोस्तों यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है कौन कौन सी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। यहां पर जो वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर की है, सेक्शन इंजीनियर की है, मेंटेनर की है। टोटल 236 पोस्ट है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो 30,000 से 65,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी और सिलेक्शन का प्रोसेस केवल लिखित परीक्षा। एज लिमिट जो है यहाँ पर कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 38 साल है, ठीक है। आयु सीमा में छूट भी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर ITI डिप्लोमा डिग्री पास के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई भी एक तो आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके आवेदन जो है दोस्तों ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 24 मार्च से जो कि 24 अप्रैल तक चलेंगे। 24 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां से दोस्तों आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहां से आपको दो लिंक दिए गए हैं नोटिफिकेशन के, आप वन बाय वन करके क्लिक करके डाउनलोड करके चेकआउट भी कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा, यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है।
दोस्तों ये थी रेलवे की दो नई भर्तियों की जानकारी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।